सो फ्रेंड, रियलमी ने अपने रियलमी 9 5G सीरीज़ इंडिया में लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको दो स्मार्टफोन देखने मिलने वाला है, रियलमी 9 5G और रियलमी 9 5G SE। तो आज हम बात करने वाला है रियलमी 9 5G SE की। तो क्या ये स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं, इसका लायक है? तो फ़ोन के प्रॉन्स और कॉन्स की बात करने वाला है। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो बढ़ते हम सीधे फ़ोन की तरफ। फ़ोन की शुरुआत करते हैं स्क्रीन की तरफ, जिसके अंदर आपको 6.6 इंच का एक IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जिसके अंदर 144 Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है, जो फर्स्ट एवर फोन होगा जिसके अंदर 144 Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है, वो भी अंडर 20K के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है। और स्क्रीन के अंदर आपका पंच होल कटआउट में एक सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। तो अब बात करते हैं फ़ोन की बैक पैनल की, जिसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने मिल जाती है और रेक्टेंगल में कैमरा मोड, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलता है। और बॉटम साइड में देखने मिलता है आपको 3.5 mm का जैक, माइक टाइप सी पोर्ट, स्पीकर, और टॉप में देखने मिलता है एक नॉइस कैंसिलेशन माइक। राइट साइड में देखने मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, लेफ्ट में वॉल्यूम बटन एंड सिम ट्रे, जिसमें आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट भी देखने मिलता है। और तो बढ़ते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ, जिसके अंदर आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने मिलेगा, जो होगा स्नैपड्रैगन 778G, जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर होने वाला है और ये 6 nm पे फैब्रिकेशन किया हुआ है। और इसकी एंड्रॉयड सिस्टम की बात करें तो ये आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 देखने मिलता है। तो आजकल 10,000 की प्राइस रेंज पर भी एंड्रॉयड 12 दे रहा है, बट रियल में पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, इस प्राइस रेंज पर तो देना ही चाहिए। तो रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर आपको 6GB और 8GB रैम देखने मिल जाएगी और 128GB स्टोरेज वेरिएंट देखने मिलेगा। और कैमरा की बात करें, जिसके अंदर आपको मेन कैमरा देखने मिलता है 48 MP का मेन कैमरा, 2 MP का माइक्रो कैमरा, 2 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो फ्रंट में पंच होल कटआउट में आपको 16 MP सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। रियलमी ने ये स्मार्टफोन के अंदर कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर ऐड नहीं किया। तो आजकल तो 10,000 की प्राइस रेंज पर भी अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने मिल जाता है, बट 20,000 की प्राइस रेंज वाले के फ़ोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता है। तो ये एक पॉइंट है जो फ़ोन को डाउनग्रेड में डालता है। और फाइनली इसकी बैटरी की बात करो तो इसके अंदर आपको नॉट बैड 5000 mAh का बैटरी देखने मिलता है, साथ में 33 W का फास्ट चार्जर। तो चार्जिंग टाइम बताया जा रहा है कि 25 मिनट में आपको 50% चार्जिंग देखने मिल जाएगा और 17 घंटे का बैटरी बैकअप। ओवरऑल फ़ोन अच्छा है। तो फ़ोन के पहले प्रॉन्स की बात करते हैं कि फ़ोन बेटर है। अंडर 20K के अंदर आपको 144 Hz रिफ्रेश वाला डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर आपको एक गेमिंग प्रोसेसर देखने मिलता है। और तीसरी बात है जिसके अंदर आपको ड्यूअल सिम सपोर्ट मिलता है, वो भी 5G। तो तीन इसके अच्छे पॉइंट और कॉन्स की बात करें तो इसके अंदर डिस्प्ले में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। अगर AMOLED पैनल होता तो अच्छा रहता है इस प्राइस रेंज पर। और इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आता है एंड्रॉयड 11 पर, अगर आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड 12 मिलता तो अच्छा रहता। और फाइनली कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आपको एवरेज फोटो क्वालिटी देखने मिल जाती है और इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा मिसिंग है। तो ये वेरियंट 6GB 128GB वेरियंट आपको मिल जाएगा 20,000 के अंदर। क्या आप ये फ़ोन लेना चाहोगे? अगर आप लेना चाहो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।